पर नासिर हुसैन ने कपड़े फाड़े हैं इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के, और अगर किसी ने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना तो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कपड़े फाड़े हैं, ये कहते हैं लताड़ दिया है उनको कि यार यहाँ पर अब अगर आप मैच हार रहे हो तो आप कह रहे हो कि सिस्टम की कमी है, और यहाँ पर आप अपने सिस्टम के नीचे हैंग कर दिया सिस्टम, पर यहाँ पर इंग्लैंड का सिस्टम वाकई में हैंग कर दिया है टीम इंडिया ने। तो अब इंडिया से मुझे लग रहा है आरक्यू पढ़ने वाली है इनको, आरक्यू रोहित प्लस कोहली जो है वो अपने पास है। आपने रोहित और कोहली का नाम लिया, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम लिया, तो चलिए नए सेगमेंट में चलते हैं जिसका नाम है सबसे बड़ा खिलाड़ी। भाई द क्रिकेट शो पर हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी की, और कौन हो सकता है ये सबसे बड़ा खिलाड़ी कीजिए इंडिया और इंग्लैंड के मैच में। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको सबसे बड़ा खिलाड़ी। भाई विराट कोहली, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग भाई। और विराट कोहली ने 354 रन बनाए हैं इस वर्ल्ड कप में, 5 मैचेस में 1 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी, 118 के एवरेज के साथ विराट कोहली खेल रहे हैं। अभी क्विंटन डिकॉक उनसे आगे निकल गए सबसे ज्यादा रन मारने में, लेकिन इस बारे में कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये आदमी परमानेंट सबसे बड़ा खिलाड़ी है। भाई गोट फॉर जो टेंपरेरी क्लास इज परमानेंट, सो इज विराट कोहली। विराट कोहली भी परमानेंट है यहाँ पर हमारी सबसे बड़ा खिलाड़ी की स्लाइड में। परमानेंट हूँ सर, परमानेंट है। चलिए कपिल भाई की तरफ वापस चलते हैं। कपिल भाई, इंग्लैंड की बात हम कर रहे थे कि इंग्लैंड की 11 तक बैटिंग तो आती है, पर क्या बॉलिंग आपको सबसे कमजोर कड़ी दिखाई दे रही है? क्योंकि डेविड विली ने चलो पिछले मैच में थोड़ी बहुत ठीक ठाक बॉलिंग करी थी, 2 विकेट निकाल लिए थे, लेकिन क्रिस वोक्स ना बैट से रन आ रहे हैं, ना बॉल उनकी सही जगह पर पड़ रही है। फास्ट बॉलिंग में बाकी भी, जैसे आपने सैम करन की बात करी, बिल्कुल आउट ऑफ टच दिखाई दे रहे हैं। लियम लिविंगस्टन तो मुझे लगता है कि उनका पत्ता कट चुका है, मुझे लगता है कि, और मार्कवुड बड़ी पेस की बात हो रही थी, 155 बस वही हमारे वाले 150 से फेंक रहे। मैं बोल रहा हूँ ये इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के साथ उठ बैठ रही है। हाँ, ये 155 से फेंक रहे हैं, 175 से इनके छक्के लग रहे हैं, मतलब ये क्या बॉलिंग को क्या हो गया? हारिस रऊफ के कंपटीशन में आपको जो सबसे ज्यादा जो सरप्राइज रहा इंग्लैंड की तरफ से, वो इनकी बैटिंग में दिखाई दिया या इनकी बॉलिंग में दिखाई दिया? कहाँ सबसे ज्यादा कमी दिखाई दी आपको? देखिए बैटिंग में तो मैंने जैसा कहा कि एक जिद दिखाई दे रही है जी। आप जिद पे क्रिकेट नहीं खेल सकते हो जी। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना ही होगा, हॉर्सेस और कॉर्सेस करना ही होगा, लेकिन वो एप्लीकेशन दिखाई नहीं दी बल्लेबाजी में। और गेंदबाजी में जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल वन डायमेंशनल अटैक दिखाई दे रहा है। अब देखिए सारे एक तरह के दिखाई दे रहे हैं, कोई किसी ट्रेंट बोल्ट की तरह किसी के पास नकल बॉल है हमें तो दिखाई नहीं दी, कोई स्लोअर वन है नहीं दिखाई दी, कोई बुमरा की तरह ऑफ कटर है नहीं दिखाई दी, कोई 140 से अचानक 108 पे लेके आ रहा है वो भी दिखाई नहीं दिया। तो इस तरह की सीधी सीधी आएगी तो फिर सीधी करने वाले बहुत सारे हैं, तो फिर उतनी तेजी के साथ बाहर भी जाएगी। तो इंग्लैंड बिल्कुल डाउन एंड आउट दिखाई दिया है, और मुझे लगता नहीं है कि हमारे सामने कोई मैच है इंग्लैंड का। कपिल भाई जाते जाते, बस समय कम है, प्लेइंग 11 आपसे थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि आप प्लेइंग 11 जो बोल देते हो, सरस्वती माता वहां विराज जाती हैं। तो आपके हिसाब से प्लेइंग 11 टीम इंडिया की क्या होने वाली है लखनऊ के मैच में? देखिए जो टीम धर्मशाला में खेली थी उसमें सिर्फ एक बदलाव होगा अगर हुआ तो, शमी बाहर जाएंगे और आर अश्विन टीम के अंदर आएंगे, क्योंकि इस पिच पर टर्न हो सकता है। इस पिच पर टर्न हो सकता है। थैंक यू कपिल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार मैच के दिन आपसे बात होती रहेगी लखनऊ में। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक सॉइल की जो पिच के बारे में बात हो रही है, शमी भाई के साथ ठीक नहीं हो रहा है, शमी भाई के साथ ठीक नहीं हो रहा है, खुशी होनी चाहिए यार, लेकिन शमी भी तो बाहर जा रहे हैं, वो भी आप थोड़ा सा करें ना, कुछ एडजस्टमेंट करें। 12 खिलाड़ी खिलाया भाई, एक बंदा उनका बैटिंग करता, दूसरा बॉलिंग करता। दूसरा आकाश भाई ने कहा था कि भाई सिराज को आप शायद बैठा हुआ देखो, शमी वहां पे खेल सकते, ये भी हो सकता है, ऐसे आ जाएंगे, ये ऐसे भी चेंजेस हो सकते हैं। पर बहरहाल क्या चेंजेस होंगे ये तो हमें मैच के दिन ही पता चलेगा। और मैच के दिन, इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच का दिन होगा, उस दिन द क्रिकेट शो आएगा प्री मैच, मिड मैच और पोस्ट मैच के साथ।